कोर्ट कॉलोनी स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों के लिए आज दूसरे दिन भी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। दो दिन तक चले शिविर में करीब 308 लोगों ने टीकाकरण करवाया। आज दूसरे दिन इलाहाबाद के SDM दिलबाग सिंह शिविर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ऐसे में उनका व उनके परिवार का टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। उन्होंने मीडिया में की गई व्यवस्थाओं का संतोष जाहिर किया और लोगों से अपील की कि वे बारी अनुसार टीकाकरण जरूर करवाएं। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कोरोना के बचाव के लिए यह जरूरी है। साथ ही मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें व 2 गज की दूरी के नियमों की पालना जरूर करें। ये बहुत सामयिक जरूरत थी पहले से ही, लेकिन चलो देर से भी इस क्षेत्र में अगर कदम उठाया गया है, क्योंकि कार्यालय हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं मीडिया कर्मियों के, जिसमें 5-7 आदमी बैठते हैं तो पूरी संभावना होती है कोविड संक्रमण की। तो बड़ा अच्छा कदम है सरकार का ये, तो मैं भी देखने आया हूँ किस प्रकार से चल रहा है व्यवस्था वगैरह। आज तो लगभग 70% के करीब हो गया है, बाकी जो रहेगा वो 30% हो जाएगा। तो इसमें मीडिया कर्मी और उनके दफ्तर के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो PN लेवल के हैं या क्लिनिकल लेवल के या डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह हैं जो आपके, उन सब का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। सर, कोरोना का कहर पहले ही था, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने भी पाव पसारने शुरू कर दिए हैं, किस तरह निपटेंगे इसे? ब्लैक फंगस के बारे में जो है अलग से नोडल अफसर लगा दिए गए हरियाणा लेवल पे, और यहाँ पे भी जो दवाई है उसकी भी प्रोक्योरमेंट कर ली गई है, और अपने गुड़गांव में भी एक प्लांट है उसमें भी दवाई का फार्मूला दे दिया गया, उसमें मास लेवल पे डोज बनेंगी तो उसमें से भी अपना यहाँ आएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और मेडिकल कॉलेज में क्योंकि उनको इंटेंसिव केयर चाहिए, ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो अपने यहाँ अग्रवा मेडिकल कॉलेज को तय किया गया है, क्योंकि वो थोड़ी सीरियस नेचर के मरीज होते हैं तो यहाँ पे टैकल नहीं हो सकते वो, तो जहाँ पे सब सुविधाएँ हों ऑपरेशन की, एनेस्थेसिया वगैरह की, तो असाइन कर दिया मेडिकल कॉलेज, तो अपने को जो असाइन किया गया वो अग्रवा मेडिकल कॉलेज किया गया। उसका प्रोटोकॉल ये बनाया गया है कि वो इतनी गंभीर बीमारी है कि उसमें मान लो आँखों का ऑपरेट करना की जरूरत होती है, मल्टी डिसिप्लिन के जो आदमी से MD डॉक्टर भी, न्यूरोलॉजिस्ट भी और आँखों का स्पेशलिस्ट भी, ENT का, तो उसमें काफ़ी मल्टी अप्रोच है, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज में ही किया गया है ताकि केयर अच्छी तरह उसके। लोगों से मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ढिलाई मत करो, पहली वेव में हमने सोचा था कि भाई दूसरी वेव नहीं आएगी, तो अब हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि तीसरी नहीं आएगी, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है जो कि साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक वगैरह बता रहे हैं कि तीसरी वेव भी आ सकती है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और जो प्रिवेंशन है, 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइज होने की, और वो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें।